ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट। इस पे कभी कभी सवाल आता है इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट पे, हम इंटरनेशनल हेल्थ में भी इसको देखेंगे। तो इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मुख्यतः ना इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट जो होता है उसमें 5 लाइन्स होती हैं। वो 5 लाइन कौन सी होती हैं? 4 लाइन तो लाइन 1 के ही पार्ट होते हैं, लाइन 1 का A, B, C और D, और लाइन 2 अगला पार्ट होता है। तो लाइन 1 के 4 पार्ट हैं A, B, C, D। तो लाइन 1 के ए में क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि भाई क्या कंडीशन थी जो डायरेक्टली रिलेटेड थी डेथ से, उसके बाद एकदम स्पेसिफिक। उसके बाद हम करते हैं 1B में कि अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ क्या था, और लाइन C में उसके ऊपर आते हैं कि मेन अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ क्या था। याद रखना कि अगर D आपका खाली है तो C आपका मेन अंडरलाइन कॉज हो जाता है, और अगर D में कुछ लिखा हुआ है, अगर D इज फिल्ड, तो वो जो है मेन अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ बन जाता है। और लाइन 2 में क्या होता है, लाइन 2 में होता है तो और कौन कौन सी कंडीशंस थी उस बंदे को जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी जिस वजह से डेथ हुई, मगर और कौन सी कंडीशंस थी। तो लाइन C और D सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं डेथ सर्टिफिकेट में, क्योंकि यही आपको सार देती हैं कि किस वजह से मौत हुई होगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 5 लाइन्स हैं, तो ऊपर की जो 4 लाइन है वो लाइन 1 का ही हिस्सा है, और लाइन 5वीं लाइन जो है वो लाइन 2 है। लाइन 2 क्या है, लाइन 2 में कोई और कंडीशन, कोई और बीमारी तो नहीं थी, वो देख लेते हैं। लाइन 1 में भी लाइन 1C जो होता है मेन अंडरलाइन कॉज होता है, और ये कब होता है, जब लाइन D फिल्ड नहीं है। अगर D फिल्ड है तो ये अंडरलाइन कॉज, मेन अंडरलाइन कॉज हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो अगर भाई ये किसी की एक मौत हो गई है तो उसका अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनाओगे तो उसमें ना आप लिखते हो कि भाई लाइन 1 में रीनल फेलियर था, एकदम स्पेसिफिक लाइन 1 में कि लाइन 1 के A में रीनल फेलियर से मौत हुई। उसके बाद थोड़ा सा बाहर आते हो, रीनल फेलियर क्यों हुआ था, क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी थी। फिर C में थोड़ा सा और बाहर आते हो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्यों थी, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस था। तो A, B, C, रीनल फेलियर क्यों हुआ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्यों हुआ, डायबिटीज मेलाइटस था। यहाँ देखो अगर कि D खाली है, D खाली है मतलब कि मेन अंडरलाइन कॉज क्या हो गया, C इज द मेन अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ। जबकि एग्जाम और लाइन 2 में क्या था कि कोई और बीमारी तो नहीं थी, हाँ इसको कोई और बीमारी थी, हाइपरटेंशन था, लेकिन मुख्य वजह क्या है मरने की, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल 2 में देख लो। तो एग्जाम्पल 2 में अगर हम ए की बात करें तो इंट्रा पेरिटोनियल हैमरेज हुआ था बंदे को। अब ये इंट्रा पेरिटोनियल हैमरेज क्यों हुआ था, क्योंकि जो मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स थे लीवर में वो रप्चर हो गए थे। अब मेटास्टेटिक डिपॉजिट रप्चर क्यों हो गए थे, क्योंकि उसके लीवर में मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स थे। अब ये मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स क्यों थे, क्योंकि उसको प्राइमरी एडेनोकार्सिनोमा ऑफ असेंडिंग कोलन था। तो अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो यहाँ पे मेन अंडरलाइन कॉज क्या होगा, हमने कहा था कि अगर लाइन D भरी हुई है तो वो मेन अंडरलाइन कॉज हो जाता है, कॉज ऑफ डेथ जो है, मेन जो कॉज ऑफ डेथ है वो लाइन D हो जाएगी। अगर लाइन D खाली है तब मेन अंडरलाइन कॉज लाइन C हो जाता है। और कैसे लिखोगे, तो यहाँ बहुत स्पेसिफिक इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बाहर गए, क्यों हुआ ये, क्योंकि रप्चर हो गए मेटास्टेटिक डिपॉजिट। क्यों रप्चर हुए, क्योंकि वहाँ पे मेटास्टेटिक डिपॉजिट थे लीवर में। क्यों थे, क्योंकि एडेनोकार्सिनोमा ऑफ असेंडिंग कोलन था, उसकी वजह से मेटास्टेटिक डिपॉजिट लीवर में चले गए थे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में एज सच अलग से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको वाइवा में ज़रूर पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ, एक्चुअली ये फॉरेंसिक में ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन वाइवा में आपको पूछ लिया जाता है कि मेन अंडरलाइन कॉज कौन सा होता है। तो मेन अंडरलाइन कॉज C होता है जब D खाली होता है। तो वाइवा में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन सी हैं, 1C और 1D। अगर मैं PG एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो जितना भी अंडरलाइन पार्ट है वो MCQ आपको पूछा गया है। तो एक MCQ जो आपको आया था वो यही था कि लाइन 1C और D मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं। और आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिए गए और आपको MCQ पूछ लिया गया कि भाई एग्जाम्पल A में मेन अंडरलाइन कॉज कौन सा है, तो एग्जाम्पल A में
लाइन सी है और एग्जांपल बी में लाइन डी जो है वो मेन अंडरलाइन कॉज है डेथ का। तो इतनी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट में पता ही होनी चाहिए।